आज हम इसके अंदर आगे सीख रहे हैं कि नेक्स्ट स्टेप में कोर्स वगैरह को किस तरह से इसके अंदर डिवाइड कर सकते हैं और इसके अंदर कैसे ऐड करना है, और बीच की जो लाइन्स हैं इनको किस तरह से इसके अंदर से रिमूव करना है, और विंडोज और डोर का कैसे यूटिलाइज करना है और उसमें कैसे अप्लाई करना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो हमने ग्रेस रूम वगैरह मुख्तलिफ रूम बनाए थे, किचन वगैरह बनाए थे, तो उसके लिए सवाल ये बताता है कि लाउंज के अंदर हमें कितने हिस्से को फ्री रखना है और कितने हिस्से को जो है उसमें यूटिलाइज करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये करना होता है कि पहले हम रूम के जो डोर से इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो डोर बनाने का तरीका बड़ा आसान है कि आप यहाँ से क्लिक करें और ये एक स्ट्रेट लाइन ऑर्थो मोड ऑन करके यहाँ पे बना लें। तकरीबन 4 फीट का डोर होता है, तो 3 फीट 4 फीट जितने का भी, 4 फीट के लिए 4 और फीट का साइन दिया और यहाँ से फिर 4 फीट के लिए ये दिया, और फिर जो उसकी जो बीच की जो डेप्थ होती है वो तकरीबन 2 इंच की होती है। तो यहाँ पर आपने 2 उसके बाद डबल कोट लगाया ताकि ये 2 इंच की डेप्थ बने। अच्छा, अब ये डिस्कनेक्ट होगी लाइन कमांड, दोबारा से क्लिक करके यहाँ से मैंने इसको यहाँ से शुरू किया और 2 इंच यहाँ से लिया और फिर इसको यहाँ ले गया। अब चूंकि पूरा 4 फीट नहीं जाएगा क्योंकि आपको पीछे आना है, 4 फीट कोशिश के ऊपर आ जाएगा, 2 इंच कम कर लें तो आ जाएगा 3 फीट और 10 इंच। ठीक है, ये कर लिया और यहाँ से ये ऊपर लिया और इधर भी तकरीबन इतना ही आएगा, 3 फीट और तकरीबन 10 इंच। तो और इसको ला के दोबारा इससे मिला दे, तो यहाँ से क्लिक किया एंटर और लाइन कमांड को लेके दोबारा से इसके साथ ज्वाइन कर। तो ये एक डोर का जो है चलाया। इसके बाद आपने यहाँ से लॉन्च करनी है एक और कमांड जिसका नाम है सर्किल, और सर्किल कमांड पे क्लिक करके आगे बढ़ रही 4 फीट का है तो रेडियस इसका हाफ होगा, यानी कि 2 फीट का रेडियस लिया, 2 फीट के रेडियस पर भी पूरा नहीं आया। दोबारा से लेते हैं सर्किल कमांड और यहाँ से इसको 4 फीट के रेडियस पर बनाते हैं, 4 फीट, तो ये पूरा इसके साथ राउंड हो गया। अब लेंगे आप ट्रिम कमांड लेने के बाद आप एंटर करेंगे एक दफा और दोबारा एंटर करके इसके बाकी हिस्से को आप कर देंगे यहाँ से शुरू। तो ये आपका एक डोर का डिजाइन आ गया। अब ये जो डोर का डिजाइन आपके पास आया इसको आप 4 हिस्सों से बना लें, 4 तरीके से कैसे बनाएंगे, यानी कि लेफ्ट राइट और टॉप एंड बॉटम के साइड में आप इसको बना के रख लें। इस तरह से करेंगे, ये देखिए अगर यहाँ पे कुछ गड़बड़ है तो आप इसको ट्रिम कमांड को दोबारा से लॉन्च करें, जूम करके ट्रिम एंटर और 1 सेकेंड एंटर करने के बाद यहाँ पे क्लिक कर देंगे यहाँ से गया, और इसी तरह से यहाँ पर भी कोई गड़बड़ हो रही है थोड़ी बहुत तो ये यहाँ क्लिक कर दे, ये ट्रिम नहीं होगी लाइट। अच्छा, ये हिस्सा बाहर वाला ट्रिम हो जाएगा, सॉरी तो 1600 तो पता भी नहीं चलेगा इसको रहने दे। ठीक है, अब इसके हम जो है 4 तरीके से कैसे बनाएंगे, तो मैंने आपको समझाया था कि 2 लाइन ड्रॉ कर लें, एक लाइन तो इस तरह ड्रॉ कर लें स्ट्रेट और आरजी तौर पर ड्रॉ कर लें स्ट्रेट, और एक लाइन आपने जो है इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है कि आप इस ऑब्जेक्ट के लिए कमांड यूज करेंगे कॉपी, और कॉपी कमांड के लिए काम करेंगे। ठीक है, इसको यहाँ से पहले मूव करने में मूव कमांड सेलेक्ट किया, पूरे ऑब्जेक्ट को यहाँ से एंटर किया और यहाँ से पकड़ करके ला के उसको यहाँ रखें। ठीक है, और अब इसकी हम करते हैं कौन सी कमांड यूज करेंगे, अब हम यूज करेंगे पहले तो कमांड यूज करेंगे कॉपी, लेकिन कॉपी कमांड से डुप्लीकेट होगा, रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो रिफ्लेक्शन की हमारे पास कमांड है मिरर, दूसरा पॉइंट भी साथ साथ बता रहा है। 1 सेकेंड मिरर कमांड लॉन्च करते हैं, पहला पॉइंट हमने ये बताया और दूसरा पॉइंट ये बताया, और अब सोर्स ऑब्जेक्ट का मिरर था ये बन गया इसके अंदर। ठीक है, अब इसी तरीके से हमने मिरर कमांड को यूज करना है यहां से सेलेक्ट, इसको भी सेलेक्ट, इसके बाद एंटर, पहला पॉइंट ये बताया और दूसरा पॉइंट ये बताया। ठीक है ना, मिस्टेक क्या कर रहे थे, मैं पहला पॉइंट बताया कि नीचे आ रहा था, फिर मैंने इसको करेक्ट कैसे किया कि यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे यह पॉइंट सेट हो गया। इसी तरह मैंने पहला पॉइंट ये बताया, दूसरा पॉइंट ये बताया, तो ये इसके अपोजिट आ गया, एंड दबा के एंटर करते, ये बन गए आपके चारों तरफ के डोर। अब इनको आप कहीं भी उठा के सेट कर लें और इन्हीं की कॉपी लेके इनको एडजस्ट कर लें। तो अब यहाँ पे जो कॉपी लेके एडजस्ट करने का मामला उसमें तो ये होगा कि आप उसको मूव कमांड लें, दोनों को सेलेक्ट करें, एंटर करें, यहाँ से पकड़ के इसको थोड़ा सा ऊपर लें, चारों डोर के स्टैंड हो गए। ठीक है, इसको थोड़ा सा मूव कमांड को दोबारा ले लें और यहाँ से सेलेक्ट करें। अच्छा जी, अब क्या करना है, डोर यहाँ पे फिक्स होगा उसके लिए क्या प्रोसीजर है, तो ये डोर लगाना है तो डोर पहले डिसाइड करना है कहाँ लगेगा, ये कहाँ लगेगा, तो उसके लिए तरीका ये है कि पहले तो 2 इंच की एक अदद उसकी चौखट हल्की सी निकाली जाएगी, तो ऑफसेट कमांड लेंगे, पहले 2 इंच की चौखट निकाल लें, तो यहाँ से 2 इंच की आपने एक चौखट निकाली, अब ये चौखट रखती है बाकी चीजें सरल कर दी, लेकिन 4 फीट का बीच का डिस्टेंस भी निकालना है, तो 4 फीट का डिस्टेंस क्योंकि डोर की जो चौड़ाई है वो 4 फीट है, तो फिर ऑफसेट कमांड लेंगे और 4 फीट का एक ऑफसेट लेंगे यहां से इस जगह से, और ये देखिए यहां रखें,
ठीक है, अब इसको बीच से काट लेना है। तो अब काटने का तरीका ये है कि देखिए ये है आपकी दीवार, ये बीच वाली लाइन तो वैसे ही जानी है, ये एक्स्ट्रा है फिलहाल। तो आप यहाँ पे यूज करेंगे एक्सटेंड कमांड, एक्सटेंड कमांड यूज करेंगे एंटर, और इसको करेंगे यहां से एक्सटेंड, ई एक्स टी ई एन डी एक्सटेंड, सिलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट को, एंटर, यहां से ले लें कमांड एक्सटेंड, एंटर, ये हो गया एक्सटेंड। ठीक है, एक और करेंगे तो क्रॉसिंग से अगली लाइन पे चला जाएगा। चलो इतना भी ठीक है, अभी बीच की लाइन करके यहां से ट्रिम कर देंगे। अब हम यूज करेंगे ट्रिम कमांड, ट्रिम, एंटर एंड एंटर, सेलेक्ट करा, ये डिलीट किया आपने यहां से। अच्छा, अब ये यहां से डिलीट हो गया, ठीक है, अब ये आपके पास आ गया। लेकिन पहले इसको डिलीट करने से पहले और उसको डिलीट करने से पहले हमें बीच वाला हिस्सा खत्म करना है। तो यहां पर भी हमें एक्सटेंड कमांड का यूटिलाइजेशन करना है। तो एक्सटेंड कमांड लिया हमने यहां से, और फिर क्या, एंटर। अच्छा, एक्सटेंड कमांड यहां पे कैसे काम करेगी, ये देखिए यहां पे क्लिक किया और ये यहां पे क्लिक किया, यहां पे क्लिक किया और ये यहां पे क्लिक किया, ये मारा गया, ये हिस्सा आपका एक्स्ट्रा हो गया। अब आपने यहां पे यूज कर लिया ट्रिम कमांड, एंटर, ये गया ट्रिम, ये गया ट्रिम, ये, 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 ठीक है, ये यहां से गया, ये यहां से, ठीक, ये निकल आई आपकी चौकट, और इसकी बीच वाली लाइन हमें नहीं चाहिए होगी, ठीक है, ओके। अब आपने क्या करना है, अब वो डोर लेकर आ रहे हैं आपने ट्रिम कमांड से, ये दो साइड बोर्ड आगे किया, ट्रिम एंड ट्रिम, ये दी गई और ये दी गई, ठीक है, डिस्टेंस निकल आया बीच का। तो अब यहां पे वो डोर कौन सा फिक्स होगा, जो के ऐसे होगा, यानी कि डोर यहां आएगा और उसकी बुराई होगी, तो कौन सा डोर लगना चाहिए यहाँ पे, ये वाला, एग्जैक्टली, ये ऐसा आएगा, ऐसे जाएगा, नहीं, ये वाला लगना चाहिए, अंदर की तरफ खुलेगा, नहीं, ओके। अब यहां से लेंगे कॉपी कमांड, कॉपी, सिलेक्ट करेंगे इस ऑब्जेक्ट को और एंटर। अब ये देखना है कि आपने किस पॉइंट से लाके कहां पे बिठाना है इसको, तो हमें इसको बिठाना है इस जगह पे, तो इसका कौन सा हिस्सा हम पकड़ेंगे, ये बिल्कुल आगे बढ़ जाए, यहां से पकड़ते हैं इसको, और ऑर्थोगोनल ऑन है, ऑफ कर ले, ठीक है, और इसको क्लिक करें, ओके, ये बढ़िया। अब इसको जूम आउट करें और यहां पे भी, तो अगर हम इस रूम को अभी डोर निकालना चाह रहे हैं, तो देखो वही फॉर्मूला इसका अप्लाई करना है। तो पहले क्या करना है समझ लें, पहले 2 इंच का लेना है एक थोड़ा सा गेप, फिर लेना है 4 सेट का, तो वही ऑफसेट कमांड, ऑफसेट 2 इंच यहां से लिया आपने इसका, और फिर ऑफसेट कमांड वंस अगेन, ऑफसेट, और फिर 4 फेट, और फिर इसी का 4 फेट का यहां पे ले लिया, ओके। अब आपने बड़ी होशियारी के साथ एक्सटेंड ट्रिम कमांड को यूज करते हुए दोबारा से इसी तरह का एक ब्लॉक क्रिएट करना है। तो आपने एक्सटेंड कमांड लिखी, एंटर, और वंस अगेन एंटर, और यहां पर आपने एक्सटेंड किया इसको, देखिए इस तरह से, और इसको इस तरह से, और इसको इस तरह से, ठीक है। अब आपने बीच का हिस्सा खत्म करना है, तो ट्रिम कमांड, एंटर, एंड वंस अगेन एंटर, और यहां से क्लिक करके एंटर, क्लिक करते गए, और ये देखिए आपने बीच का हिस्सा निकाल दिया, ये चौकट आपकी निकल आई यहां से, ये एक्स्ट्रा था, ठीक है। इसी तरह से यहां से भी आपने इसको ट्रिम कर दिया, ये आपके पास डोर के लिए स्पेस निकल आया। वंस अगेन आपने क्या करना है, यहां जाना है, और अब आप देखिए यहां पे कौन सा सेट होगा, ये वाला होगा, नहीं ये वाला, नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। ये वाला सेट होगा, ये वाला, ठीक है। तो यहां से मैंने कॉपी, एंटर, स्लैट, एंड देन यहां क्लिक किया एंटर, और इसको इस कॉर्नर से पकड़ते हैं हम, देखिए इस कॉर्नर से पकड़ रहा हूं इसको, और मूव किया, ठीक है, सेट हो गया, बिल्कुल परफेक्ट सेट हो गया। तो ये देखिए, यानी कि अगर आप किसी को एक मेप देते हैं और मेप देने के बाद आप उसको ये चीज दो ड्रॉ करके देते हैं, इट मींस कि आपने उसको ये बताया है कि दरवाजा है, और दरवाजा जो है, डोर जो है, ये 4 फिट का है, ये इसका रेडियस है, ताकि जब ये खुलेगा तो इतना हिस्सा कमरे का इस्तेमाल करेगा, ठीक है। इसी तरीके से आपने यहां पर अगर आपने आर्क बनानी है,
क्या बनानी है आर्क। अब आर्क कैसे बनेगी, मिसाल के तौर पर आप मूल सी बनाएंगे, वैसे तो आप ये दो बनाने तो भी ठीक ही बन जाएगा, मतलब आप दो दरवाजे ऐसे लाके लगा देंगे तो भी ये आर्क ही बन जाएगी, नहीं आर्क ही बन जाएगी ना। लेकिन अगर आप इसको दो दरवाजे नहीं लगा रहे फॉर एग्जाम्पल, तो आप एक सेंटर पॉइंट से लेके गोल सा एक पूरा गोल सा बताना चाह रहे हैं कि दरवाजा नहीं होगा, खुला होगा, ओपन एरिया होगा, तो फिर आपको इसके अंदर एक सेंटर पॉइंट निकालना पड़ेगा। सेंटर पॉइंट कैसे निकलेंगे, देखिए आपकी जो टोटल वेट है कितनी है, 30 का सेंटर कितना निकलेगा 15, और अगर आप यहां से क्लिक करके ऑफसेट कमांड को लॉन्च करते हैं, लेकिन यहां पे एक मसला आएगा कि ये बाउंड्री है, ऑफसेट कमांड लॉन्च करेंगे तो चारों तरफ से आएगा, तो यहां पर आपको ये करना होगा कि पहले एक लाइन कमांड से थोड़ी सी एक लाइन ड्रॉ करनी होगी, से एक लाइन ड्रॉ कर ले यहां से लेके यहां तक, स्टेट ऑर्थो मोड ऑन कर ले, ऑर्थो मोड ऑन करके एक लाइन यहां तक ड्रॉ कर ले, ठीक है। बल्कि हम लाइन कमांड को एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बताते हैं तो वो सेंटर से ड्रॉ हो जाएगी, तो एक्स क्या होगा हमारा, एक्स होगा यहाँ पे हमारा 0, तो वाई कितना होगा 15, और फीट का निशान एंटर, ये देखिए स्ट्रेट लाइन यहाँ से ड्रॉ हो जाएगी जितनी ड्रॉ करनी है। मेरा ख्याल ये है कि आप बस उसको यहाँ तक ही ड्रॉ कर ले, फिलहाल टेम्पररी लाइन चाहिए, उसको उसको तो डिलीट ही करना है, ये ड्रॉ हो गई उसका स्केप कर दे। अब आपने अपना आर्क कितना चौड़ा बनाना है ये आपको डिसाइड करना है, 1 फिट का, 2 फिट का, 3 फिट का, 4 फिट का, तो जितने फिट का आप आर्क बताएंगे उतना उतना डिस्टेंस दोनों साइड के, अगर 8 फिट का रखना है तो 4 फिट का उधर और 4 फिट का इधर डिस्टेंस है, तो ऑफसेट कमांड लेके आपने जैसे 4 फिट लिखा और यहां से इसका एक 4 फिट का डिस्टेंस यहाँ ले लिया और एक 4 फिट का डिस्टेंस आपने यहाँ ले लिया, ये बिल्कुल आपने उसके सेंटर लाइन के ऊपर ले लिया, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहां से जब आप इसके लिए सर्किल कमांड यूज करेंगे तो यहां पे क्लिक करके आप जैसे 4 फिट का डिस्टेंस क्या कैलकुलेट करेंगे, 4 फिट आप लिख के एंटर करेंगे तो पूरा इसके अंदर बन गया, तो आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है। अगर आपको इस साइड पे आउट रखना है इसका तो ये बना दे, और अगर आपको इसको इस साइड पे आउट रखना है तो ये हिस्सा इसका डिलीट होगा, ठीक है। तो अमूमन वारंटे वगैरह के दरवाजे होते हैं बाहर की तरफ होते हैं, तो इस तरह से हम करते हैं, इसको थोड़ा जूम करके मैं इसको ट्रिम कमांड से लॉन्च करता हूँ, ट्रिम एंटर एंटर, तो देखिए ये इसका सेगमेंट गया और इसका ये सेगमेंट गया, ये सेगमेंट गया और ये सेगमेंट गया, और ये इन साइड आपके सेगमेंट सारे के सारे चले गए, ठीक है, निकल आया। ये देखिए आपने इसके अंदर एक परफेक्ट आर्क बना लिया और ये आपका वारंटे का ओपन एयर कर लिया, ताकि आप बता दें चाह रहे कि यहां से ओपन होगा। अगर आपको 3 बनाने हैं तो फिर आपको यहीं से स्पेसिंग करनी है, 1, 2 और 3, 2 बनाने हैं तो 2 की स्पेसिंग करनी है, फिर 3 फिट की बनेंगे थोड़ा कम हो जाएगा डिस्टेंस, तो ये देखिए ये आपका वारंटे का ओपन एरिया हो गया, यहां से भाई वारंटे का ओपन एरिया होगा, एक आर्क होगा उसके अंदर से लोग इंटर होंगे, फिर यहां आएंगे, ये लॉन्च होगा, यहां पर ये डोर है इसके अंदर जाने का, उसके अंदर जाने का, और ये इस तरह से आपको नजर आ रहा है। अब इसका मजीद ऑफसेट लेना है, डबल करना है, वो आपकी मर्जी है, ले सकते हैं 2-3 इंच का ऑफसेट, थोड़ा खूबसूरती के लिए बनाना चाहिए, वरना सिंगल लाइन भी ये बता रही है कि इस तरह से होगा। अब इसी तरीके से किचन का जो दरवाजा है, अगर आप चाह रहे कि ये हाफ यहां से ओपन होगा, यानी कि यहां से ब्लॉक होगा, यहां से ओपन होगा, या यहां से ओपन होगा, यहां से ब्लॉक होगा, तो ये भी अभी आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। इस तरह से बाथरूम के जो हमारे दरवाजे हैं यहां से निकाल सकते हैं, बाथरूम के दरवाजे कितने निकलेंगे और उनकी क्या मेजरमेंट्स होगी, और ड्राइंग रूम का भी दरवाजा यहां से अगर आपको निकालना है मेन लाइन में से तो वो किस तरह से आप निकालेंगे, वो भी आप चीजें इसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये आपने बाकी चीजें इसके इसका डोर और इसका डोर जो नहीं बनेगा, इसको यहां से हाफ दीवार देंगे और आधा बंद कर देंगे, और इसके अलावा यहां पर इसका एक डोर निकालना है, एक डोर यहां निकालेंगे, एक डोर आप यहां पे निकाल लें इन साइड एंड आउट साइड, और एक डोर आप इसका बाथरूम का यहां और टॉयलेट का डोर यहां रखेंगे, और फिर मेन गेट यहां पर आपने निकालना है। अच्छा मेन गेट आपका कैसे निकलेगा, मेन गेट अमूमन 10 फिट का होता है, तो यहाँ डिस्टेंस नोट करने के लिए आप डायमेंशन कमांड को यूज कर लें, और यहां से ले देखिए आपके पास कितना डायमेंशन में आपको स्पेस आ रहा है, तो बहुत ज्यादा छोटा हो गया, उसमें डबल क्लिक करके यहां से इसको प्राइमरी यूनिट्स को 0 फिट और 0-0 पर सेट करने के बाद टेक्स्ट पे जाके और यहां से टेक्स्ट हाइट पे जाके उसको मैं 6 इंच के ऊपर सेट कर देता हूँ और यहाँ क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, और ये रख लिया 139.6 इंच। तो इसके फीट मालूम करने के लिए क्या तरीके का है, 139 को डिवाइड करेंगे किससे, 12 से, 11 फिट का स्पेस है हमारे पास, 11 फिट है हमारे पास, तो आप इसमें ऐसे भी कर सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा सा 6-6 इंच या 1-1 फिट यहां से कम कर दे, 1-1 फिट कम करेंगे तो 11 में से 2 जाएंगे तो 2 बन जाएंगे, 9 फिट कम करके गेट बहुत अच्छा आ सकता है, ठीक है। तो ये काम कैसे हो सकता है कि थोड़ा सा ऑफसेट कमांड लेंगे आप, ऑफसेट ऑफसेट और 1 फिट लिया और यह 1 फिट लिया और यहां से इसका 1 फिट लिया, दैट्स ऑल।
अब आप बीच का गेट बड़े आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि आपको सेंटर पता है इसका। अब आप इसका सेंटर निकालने के लिए एक और ऑफसेट लेंगे और वो लेंगे 4 फीट और 6 इंच का, ठीक है, जो कि 9 का आधा होता है, 9 का आधा है। ये देखिए सेंटर पॉइंट आपके पास आ गया। अब इसके अंदर आप दो दरवाजे क्रिएट कर सकते हैं, मतलब दरवाजे इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं जैसे हमने वो डोर बनाए हैं, लेकिन वो हमारे हैं 4-4 फीट के। अब आप 4.5 फीट के हिसाब से बनाएंगे, 4 फीट 6 इंच के हिसाब से, और वो यहाँ पे दोनों साइड पे सेट किए जा सकते हैं अगर उसको बनाना है। अच्छा, अब यहाँ पे दो कमांड और भी है, जैसे मिसाल के तौर पर ये आपको मैं अब क्योंकि बात आ रही है काम के अंदर तो मैं आपको उसको बताऊंगा। जैसे अब हमने ऑब्जेक्ट बनाया 4 फीट का, इसको 3 इंच का करना है तो कैसे करें, 3 फीट का करना है कैसे करें, 4.5 फीट का करना है कैसे करें, तो ये हम अब एक क्लास इसकी बनाएंगे कि कौन सी कमांड्स ऐसी हैं जो बने बनाए ऑब्जेक्ट्स को रीसाइजिंग के लिए इस्तेमाल होती है। उसमें इस स्ट्रेच और कमांड है, उससे ये काम किया जा सकता है कि अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट 4 फीट का है तो 3 फीट का कर ले, 3 फीट का है तो उसको 4 फीट का 5 फीट का कर ले, ताकि आपको रिक्रिएशन से बचा जा सके। तो ये नेक्स्ट क्लास में बना के और फिर मैं आपको उसको यहाँ पे लगा के बताऊंगा ताकि आपको ये बात क्लियर हो। फिलहाल आपने अपने इस ड्रॉइंग को इसी तरह कंप्लीट करना है, ट्रिम कमांड एक्सटेंड कमांड का काम सीख गए, डोर लगाना सीख गए, विंडोज लगाना है इसके अंदर, वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप बड़ा आसान है, कोई मसला नहीं है। और इस तरह से आप अपना एक पहला मैप कंप्लीट कर लेंगे और फिर आप एक कर लेंगे तो 2-3-4। अच्छा, कोई सवाल पूछा उसके अंदर